नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी भारत और हमारा खास शो क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव। देश में गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीबों को हितों को देखते हुए देश में स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना की घोषणा केंद्रीय वित्तीय बजट 2018 में की गई थी, जिसके मुख्य दो स्तंभ हैं, देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं 10 करोड़ जो परिवार हैं गरीब उनको 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक मध्य प्रदेश में इस योजना के जरिए 3 करोड़ 30 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं और अगर रिकॉर्ड को देखें तो 22 लाख परिवारों को इस योजना से मुफ्त इलाज भी मिला है। ये हुई इस योजना से जुड़ी कुछ संक्षिप्त जानकारी, मगर आज हम इस योजना के दूसरे पहलू पर बात करेंगे जो इस समय काफी चर्चा में है। यूं तो इस योजना के लिए जब से ये शुरू हुई तब से लगातार जो इस योजना में हॉस्पिटल इन पैनल हैं उनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मध्य प्रदेश में इस योजना में इन पैनल निजी अस्पतालों ने इस योजना को कमाई का जरिया बनाकर भारी भ्रष्टाचार एवं गबन किया। इस फर्जीवाड़े को जब दिल्ली में योजना से जुड़े सॉफ्टवेयर ने पकड़ा तो मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया और शासन स्तर से पूरे प्रदेश में कई निजी अस्पतालों में छापे मारे गए और अस्पतालों के भुगतान तक रोक दिए गए। इस मामले में कई संचालकों पर मामले भी दर्ज किए गए। फर्जी आयुष्मान कार्ड से लेकर फर्जी मरीजों को भर्ती करने और होटल में अस्पताल संचालन करने से लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों पर जांचें भी शुरू और गड़बड़ी पाए जाने पर उनकी संबद्धता भी खत्म की गई। मगर कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर आयुष्मान भारत से जुड़े रिश्वत मामले में एक वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर आयुष्मान भारत योजना में हुए घोटालेबाजी का खेल सामने आया है। आइए हम आपको पहले वो वीडियो दिखवाते हैं जो इस समय वायरल है। और अब 10 हो गए, ये 9 ही है, ये लो, वरना मुझे 1 को मैंने देने का बोल दिया था। एक 10 मिनट में तुमने टाइम दिया, 10 मिनट में भैया नहीं निकला। जो सुबह की बात बता रहा है, सुबह जिसको दिया था ना, सुबह जिसको हमने दिया था ना मैं निकालने के लिए, वो से बोला ना 5 लाख हमारे भाई। अभी आपसे क्या बता रहे हैं यार अरविंद भैया, इनको समझाओ कि क्या, इनको क्या समझा रहे हैं कि भैया अकाउंट में पैसा नहीं है। आप ये बोलो ना, तो आप इतना ही तो समझाना है कि भाभी मेरे आप हम पे विश्वास करो, उन्होंने इतना दिया है तो आगे भी देंगे। अब हम बेवकूफ तो है नहीं कि आपको 8 लाख रुपए दे रहे हैं और 2 लाख के पीछे हम भाग जाएंगे। यार विमल भाई सके देवर हो यार, आप 10 लाख तो छोड़ो, 10 रुपए में काम करा सकते हो। अरविंद भैया इतना तो एडजस्ट कर, जो आज में 9 लाख दे रहा है वो 1 लाख खा के भगेगा क्या यार? मैडम के हाथ में हर चीज है। और आप वो सोचो तो चलो ठीक है, आयुष्मान तो ऐसा अगर जाएगा तो क्या हम अपना ये वाला पैसा थोड़ी ना हाथ का गवाएंगे जो दूसरे से कर्ज लेकर के दे रहे हैं आपको। वो तो मैं तुम्हारा यार सब हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप तो भैया कॉमन सेंस वाली बात, मतलब इतना तो यार आप रखो कि भाई आपकी भाभी, आप उससे ये तो जाकर बोल सकते हो, भाई से बोल सकते हो कि भाई हमारे अपने ही है ना, आप इतना तो कंसिडर करो। अरविंद भैया ठीक है, मैं बोल दूंगा, बता जाना क्या बोल रहे ना सर, वैसे अर्जेंट में व्यवस्था नहीं हो पाई है, अपन मंडे कर देंगे वो आपको 1 लाख को पकड़ो और भाभी निकलो, अब मैं देख लूंगी, फिर मैं नहीं जानता रे भाई, फिर मैं आखिरी मौका तेरे को दे रहा हूँ। बोल देना मेरे खास है, मैंने 1 लाख की गारंटी लिया, मंडे मत से ले लेना अरुण भाई, आप ये बोल देना मैं आपको मंडे 100% ठीक है। अरुण भाई इतना बोला कि ना भाई आपके हम पे विश्वास रखिएगा, कहते ना हमारे सामने उन्होंने व्यवस्था करी है, बड़ी मुश्किल से करके दे पाई है, हालत अच्छे नहीं। ऐसे काम करता क्यों है? देखो अपने पास ऐसा तो है नहीं है, भरा पड़ा हो, करोड़ों में चला आ रहा हो। अरे तो यार उतना ही लिमिटेड हॉस्पिटल चलता है, वो भी इतनी पीछे हरकतें नहीं करेंगे, ईओ है वो भी बोल रहे हो तो हम ही दियांगे। एक है हाँ तो आप दिया ना अपने पास से। अरे वो बात नहीं है, मगर जहाँ तो ऐसी बात करते हो तो फिर गुस्सा आता है यार। आप ही कर रहे हो बात, आप ही कर रहे हो, आप बात आप ही कर रहे हो, हम लोग तो बोल रहे हैं कि भैया चलो अब एक ना एडजस्ट कर लेना यार, इतना तो करो। मैं नहीं, और यदि भगाए तो फिर मुंह लटका के आ जाना बाहर कुत्ते सर। यार विमल भाई देवर हो यार, इतनी तो रखो भाभी की। अरे देवर मेरे से सीधा हो तो फोन मत करना मेरे को,
अब बताओ सब देवर की बात है, जहाँ पैसा जाने उनका। इन वीडियो की सच्चाई क्या है और वीडियो में जिन अधिकारी भावी का जिक्र हो रहा है इसकी जांच जरूरी है और 10 लाख के इस लेन देन के पीछे की कहानी सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि वीडियो में दिख रहा युवक अरविंद लोवंशी स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल डायरेक्टर व आयुष्मान भारत की कार्यपालन अधिकारी सपना लोवंशी का करीबी रिश्तेदार है। हालांकि केवीपी भारत इस वीडियो के सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। सपना लोवंशी स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल डायरेक्टर के पद पर 4 साल तक पदस्थ रही हैं। और इसलिए इस बिजली की समस्या के लिए 2 लोग जवाबदार हैं, एक पवन बारस्कर JEMP EB चीचली और दूसरा है JE साई खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों पर भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे हैं मगर यहां प्रदेश की राजधानी में ही अधिकारी करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। इस कथित वीडियो के मामले में आयुष्मान भारत की पूर्व कार्यपालन अधिकारी व वर्तमान में इंदौर में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ सपना लोवंशी घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल ने इन वीडियो को वायरल करने के साथ ही कई और भी खुलासे किए हैं। हालांकि इसे महज संयोग कहें या कुछ और, क्योंकि इन वीडियो के सामने आने के बाद महज कुछ घंटों बाद सरकार ने आयुष्मान भारत के CEO अनुराग चौधरी को पद से हटा दिया और उन्हें पशुपालन विभाग में उप सचिव बनाया गया है। वहीं हाल ही में प्रदेश के लोकायुक्त DG कैलाश मकवाना को हटाए जाने के पीछे भी आयुष्मान भारत में हुए फर्जीवाड़े में सपना लोवंशी के खिलाफ मिली शिकायतों पर सपना लोवंशी के खिलाफ जांच की अनुमति मांगने की वजह से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं हालांकि सरकार ने सपना लोवंशी के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं दी थी। आयुष्मान भारत में कथित रिश्वत कांड के वीडियो सामने आने के बाद इस मामले की जांच स्वास्थ्य संचालक सुदामा खाड़े को सौंपी गई है मगर जब स्वास्थ्य संचालक से इस मामले में चल रही जांच के बारे में जानकारी के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद उनको खबर से संबंधित सवाल मैसेज के जरिए लिखकर भी भेजे गए जिनका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या एक ईमानदार अधिकारियों को डैमेज कंट्रोल की बलि चढ़ा दिया गया? क्योंकि अगर बात करें अनुराग चौधरी की तो स्वास्थ्य संचालक अनुराग चौधरी के समय आयुष्मान भारत में काफ़ी नवाचार हुए और मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री से अवार्ड प्राप्त हुआ जिसे खुद अनुराग चौधरी ने उस समय जाकर लिया था दिल्ली में। खैर इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जाँच शुरू की है और इस जाँच के सामने आने के बाद ही इस रिश्वत कांड की सच्चाई सामने आएगी। हालांकि इस मामले पर सपना लोवंशी के पक्ष को भी जानने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने इस मामले पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही जांच के सामने आने के बाद ही इससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और जब तक यह जांच चल रही है तब तक स्वास्थ्य विभाग में इस रिश्वत कांड की चर्चा जोरों पर है। आगामी समय में अब देखना यह होगा कि यह जांच कब तक ख़त्म हो जाती है और इसमें जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल क्वेश्चन हावर में सिर्फ इतना ही। आगे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए KVP भारत के साथ। नमस्कार।